फाइव सोनिक चैनल के हमारे चाइल्डहुड के शोज। तो देखो, मेरे लिए ये चुनना काफ़ी मुश्किल है कि कौन नंबर वन पे कौन नंबर टू पे, ये काफ़ी मुश्किल है। पर लेकिन एक नंबरिंग बोल के मैं दे रहा हूँ, और मेरे लिए सभी शो नंबर वन पे आते, क्योंकि इन सभी ने मेरा बचपन काफ़ी अच्छा बनाया है। क्योंकि आज के बच्चों के हिसाब से तो सोनिक चैनल किसी कचरे के डब्बे से कम नहीं है, और सोनिक चैनल का आज के बच्चों के लिए कोई भी औसम शो दिखाता नहीं है जिनको देख के बच्चों को घूस बम्स आए। और देखो, आज के वक्त में सोनी चैनल कितना गोबर गु टट्टी दिखा रहा है हम सबको पता है, पर हमारे बचपन में सोनी चैनल हमारे लिए जीने का सहारों में से एक था, क्योंकि उस टाइम के सारे एनिमेशन कार्टून शोज काफी बेहतरीन तरह से कॉपरेट किया करते थे उनके मूवीज एनिमेशन शोज सभी को। पर आज के वक्त में तो पूरा कचरे का डब्बा बन चुका है। लेकिन कोई ना, आज हम बात करेंगे टॉप 5 सोनिक चैनल के ऐसे शोज के बारे में जिन्होंने हमारा बचपन को काफी अच्छा बनाया। तो देखो, मैं पांचवे नंबर पे उन्हीं सभी शोज को रख रहा हूँ जिनका काफी बड़ा हाथ हमारे बचपन अच्छा बनाने में। तो वो सारे शोज अभी आपके स्क्रीन पे है। तो होप्स आपको 5 नंबर के सारे शोज को आपका बचपन याद आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे आता है पावर रेंजर्स। तो देखो, किस बच्चे ने पावर रेंजर्स अपने बचपन के अंदर देख के एंजॉय नहीं किया होगा, और किसने सोचा नहीं होगा कि मेरे पास कोई पावर रेंजर्स का जेम मॉर्फर होना चाहिए। हाँ, भले हमारे माँ बाप ने तो दिला नहीं पाए, पर लेकिन यार पावर रेंजर्स कितना अच्छा था कि मुझे बचपन में कई बार सपने आते पावर रेंजर बनने के। हाँ, अभी नहीं आते, अभी तो मैं मार्वल का फैन हूँ, पर लेकिन यार हर बच्चे ने 90s की किड ने तो पूरे पावर रेंजर्स की सीरीज जरूर देखे होंगे। और आज के वक्त में भले पावर रेंजर्स टीवी के ऊपर एयर करता है रात के 1 बजे 12 बजे 11 बजे, पता नहीं इस सोनी चैनल वाले कौन सा सस्ता नशा करते कि पावर रेंजर्स को इतना लेट दिखा रहे हो। इतना लेट उनको क्या मतलब, मुझे सोनी चैनल के हेड से पूछना था। एक बार मैंने वीडियो कॉल का नंबर लिया पूछने के लिए कि भाई मुझे सोनी चैनल के नंबर का हेड का नंबर, मुझे बात करनी है कि देख रात के 11 बजे कौन देखता होगा। तो मुझे पता है कि वो कई, जैसे कि उन्होंने पावर रेंजर्स मेगा फोर्स के बाद की जो सीरीज थी लाइक सुपर रेंजर्स टीवी, फिर अभी बीस्ट मॉर्फर्स दिखा रहे हो, उसको हिंदी में डब किया है। पर रात के 10 बजे 11 बजे भाई कौन देखता है, कौन किसके पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि भाई देख ले बोल के। हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे भी देखने को दे रहे थे वो, लॉकडाउन के टाइम पे भी पावर रेंजर्स डायनासोर किंग जब आ रहा था तब उन्हें देखने को मिल रहा था, पर अभी कहते नहीं मिल सकता है। तो यार उनको समझना चाहिए कि, और पावर रेंजर्स को दिन में दिखाना चाहिए एटलीस्ट 7 बजे 6 बजे। हाँ, जिनके अभी मैरिज हो चुकी है वो देख सकते हैं, पर हम तो अभी खुद टीनेजर्स है, 18 साल अभी क्रॉस नहीं हुआ है, इतना रात को दिखाने में कोई फायदा नहीं, दिमाग खराब हो जाता है। तो ठीक है, मेरे इमोशन में कुछ ज़्यादा बहते जा रहा हूँ, बढ़ते हैं नंबर 3 के ऊपर। तो नंबर 3 पे आता है डायनासोर किंग। तो देखो, जो डायनासोर किंग के फैंस है वो बुरा मत मानना कि मैंने नंबर 3 पर रखा है, ये सभी शोज मेरे लिए काफ़ी इमोशनल और काफ़ी फेवरेट है, मैंने बस एक नंबर देकर रखा है, तो इससे कोई गुस्सा मत हो। तो देखो, डायनासोर किंग का मैं थोड़ा प्रोस्पेक्टिव देता हूँ कि डायनासोर किंग की बैकग्राउंड म्यूजिक, उसका एनिमेशन स्टाइल, उसकी स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है यार, माँ कसम इतनी खतरनाक। कई बार तो तुम कभी एक एपिसोड भी देखने लग गए ना, तुम पूरी एनिमेटेड सीरीज को फिर से ख़त्म कर दोगे कई बार देख के, इतनी अच्छी तरह से उसकी एनिमेशन स्टाइल कहानी को लिखा गया है। और डायनासोर किंग की चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, उसकी हिंदी डबिंग भी काफ़ी बेहतरीन थी। हाँ, हमें सोशल मीडिया पर पता नहीं चलता है कि उसकी हिंदी डबिंग आर्टिस्ट कौन थे, लेकिन फिर भी उसकी एनिमेशन स्टाइल, स्टोरी, कहानी इतनी बेहतरीन है। एक टाइम पे मैंने मेरे घर के डायनासोर की पिक्चर बना के रखी थी, अभी मेरे घर पे हाल फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिलते, कहाँ पे रख दिया बोल के मैंने, पर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे देखने को मिल गए तो मैं स्क्रीन पर तुम्हें दिखा दूंगा। नंबर 2 पे आता है इडाटेन जंप। तो देखो यार, जिन्होंने भी ये शो देखा उन्हें पता है कि इडाटेन जंप कितना बेहतरीन है, उसका एनिमेशन, कहानी, माँ कसम यार उसका इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है, उसकी कहानी को एकदम सल्यूट यू सर। और उसकी कहानी को देखते हुए मैं मेरे दोस्तों से बातें करा करता था इडाटेन जंप के बारे में, इडाटेन जंप की कहानी, उसकी बाइक्स, मेरे घर पे खटारा साइकिल है, हाँ मैंने अभी एक नई ले ली है,
पर मैं जब वो पुरानी खटारा साइकिल को मैं ठीक करके चलाया करता था, और एब्सोल्युटली जिस बंदे ने भी ये शो देखा होगा उसने अपने घर की साइकिल को उठाया और चलाने पड़ा होगा। हाँ, आज तक कोई बनी हफ्तों नहीं कर पाए पर मज़ा आ गया। और इराटिंग जंप का नाम तुमने आज भी ले लिया ना, मेरे को डायरेक्ट गूज़बम्स आ जाते हैं। ऐसी एनिमेटेड शो है ये, नंबर वन पे आता है। सभी ने इमेजिन कर ही लिया होगा कि वो कौन है। वो है हमारा जैच बेल। ओके, तुम्हें पता है कि मैं जैच बेल को इस सीरीज के ऊपर नंबर वन पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर जो भी तुम्हें एनिमेटेड शोज देखने को मिले उन सभी के मुकाबले में इसकी कहानी थोड़ी ज़्यादा ब्रूटल थी। हाँ, मैं सेंसर के नाते उसे कट कर दिया गया था, लेकिन अभी उसका नया सीजन अनाउंस हो चुका है, इसलिए मैं जैच बेल को नंबर वन पर रख रहा हूँ। और जैच बेल की भी कहानी इतनी बेहतरीन है कि मैं क्या ही कहूँ। तुम्हें अगर उसकी एनिमेटेड सीरीज सब कुछ एकदम डिटेल में जानना है क्या कैसे हुआ है, तो अभी तुम्हारे अभी यहाँ पे एक प्लेलिस्ट की लिंक फ्लैश हो रही होगी। तुम जाके इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देख लो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि जैच बेल के नए सीजन के बारे में क्या क्या हुआ है। और मैं थोड़ी मेरे जैच बेल से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैं बच्चा था, जैच बेल को मैंने कभी बचपन में देख के खत्म नहीं करा है, क्योंकि उन्होंने टीवी पे दिखाया ही नहीं था जैच बेल की पूरी एनिमेटेड सीरीज को, लेकिन फिर भी ये शो काफी बेहतरीन था। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब भी मैं कुछ सोचता था अपने दिमाग के अंदर कि अभी स्कूल में टेरिस अटैक करते कुछ भी हो जाए, तो मेरे दिमाग में मन करता था किताब उठाओ जाके यार बोलूं और सारे टेरिस खत्म हो जाए। और मैंने मेरे चाइल्डहुड के अंदर जैच बेल की बुक्स भी बना के रखी थी, कवर से रेड करके, रेड कलर की जो हमारी जैच के पास थी वो वाली बुक। और उसे देख के तो अभी भी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे हाथ पैर में गूज़बम्स आ गए ये सोच के। तो तुम इसे सोच सकते हो कि जैच बेल की एनिमेटेड सीरीज कितनी अच्छी थी। सो गाइस, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे मेरे बचपन को याद करना था, क्योंकि आज के वक्त में जो हमारे इंडियन टीवी चैनल्स की हालत है वो काफ़ी खस्ता है। हाँ, आजकल में कुछ ड्रैगन बॉल, बेंटन को फिर से कार्टून नेटवर्क पर लाया जा रहा है, हाल फिलहाल में नारुतो का ऐड भी आया है टीवी पे, पर ना जाने क्यों हमारे बचपन के शोज़ के लिए हमारे दिल पे एक अलग ही जगह है, क्योंकि उनसे हमारा बचपन जुड़ा है। हमारे बचपन को अच्छा बनाने में सोनी चैनल का काफ़ी बड़ा हाथ था। हाँ, आज के वक्त में पूरा गोबर का कचरे का डब्बा बन चुका है, पर लेकिन हमारे बचपन के अंदर सोनी चैनल काफ़ी बेहतरीन चैनल था हमारे चाइल्डहुड के अंदर, और अभी भी हमारे दिल के अंदर वो चैनल जिंदा है। हाँ, अभी सोनी चैनल का एक भूत टीवी को कोई चला रहा है, क्या मालूम कौन है सोनी चैनल का सीईओ। तो मेरे ब्रदर, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार तुम भी थोड़ा अच्छा करो, आजकल कार्टून नेटवर्क भी काफ़ी सुधर रहा है, तुम भी सुधरो। तो चलो बढ़ते हैं हमेशा की हमारी क्यूएनए की सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 1 के अंदर। तो तुम्हें गेस करना है कि तुम्हारे स्क्रीन पे जो कैरेक्टर फ्लैश हो रहा है, इस कैरेक्टर का यानी इस मोडो का नाम क्या है। जो कोई भी इस सवाल का सबसे पहले राइट आंसर देगा या जो भी आंसर देगा मैं उसे मेरे अगले वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट दूंगा। तो उम्मीद कर सको अगर तुम जैच बेल के ट्रू फैन हो तो इस कैरेक्टर का नाम गेस कर सको। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम 400 सब्सक्राइबर्स की फैमिली जल्दी बनने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का जरूर मेंबर बनिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।